गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टुडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर टेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वी ऑलरेडी डू आवर थ्री लेसन ऑफ सेकंड सेमेस्टर दिस इज द फोर्थ लेसन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिप्रेजेंट मींस क्या करना किसी चीज़ को दिखाना किसी चीज़ को क्या करना दिखाना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि किसी डाटा को यानी डाटा क्या होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे आप क्या करते हो एग्ज़ाम देते हो तो वो भी आप जो आपके अंदर आपके अंदर जितना भी डाटा है, आपके अंदर जितनी भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है इन्फॉर्मेशन है उस डाटा को आप उस इन्फॉर्मेशन को आप किस में दिखाते हो अपनी शीट पे अपनी आंसर शीट पे जो आपकी टेस्ट कॉपी होती है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब कि हम किसी डाटा को बहुत कम समय में बहुत कम समय में कम प्लेस में कैसे अच्छे अच्छे से क्या करें प्रेजेंट करें उसको क्या उस मेथड को क्या कर, कहते हैं रिप्रजेंटे रिप्रजेंटेशन ऑफ डाटा अंडरस्टैंड अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा एग्ज़ाम में बहुत कम शीट में ही क्या कर लेता है मार्क्स अपना पे, सारा पेपर क्या कर लेता है अटैम्प्ट कर लेता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाता है और कोई बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा शीट भी भरता है और क्या करता है कम मार्क्स भी लाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी और जो उसने अपना क्या करा अपना डाटा उसको रिप्रेजेंट उसको दिखाना था वो उतने अच्छे तरीके से उस डा अपने डाटा को अपने अंदर की इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं कर पाया रिप्रेजेंट नहीं कर पाए यानी दिखा नहीं पाया अंडरस्टैंड तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ डाटा क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का यूज़ कहाँ पर होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कम समय में कम प्लेस में कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में क्या कर सकते हैं सो so, कर सकते हैं अंडरस्टैंड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बहुत सारे मेथड होते हैं फर्स्ट मेथड है पिक्टोग्राफ क्या होता है पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्टोग्राफ यानी आप यहाँ पे पिक्चर टाइप का देख सकते हो पिक्टोग्राफ में क्या रहा है पिक्चर तो जिस डाटा को हम किसकी हेल्प से शो so कर सकते हैं पिक्चर की हेल्प से किसकी हेल्प से पिक्चर की हेल्प से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कितने डेज हैं एक वीक का चार्ट दिया हुआ है एक वीक का क्या दिया हुआ है चार्ट दिया हुआ है कि कितने दिन क्या रहेगी चार दिन हफ्ते में क्या रहेगी धूप रहेगी और दो दिन क्या रहेगी बारिश और क्लाउडी डेज कितने दिन रहेगा हफ्ते में एक दिन जिस डाटा को किसकी हेल्प से दिखाया जाता है पिक्चर की हेल्प से दिखाया जाता है उसको कहते हैं पिक्टोग्राफ क्या कहते हैं पिक्टोग्राफ जैसे यहाँ पे आप देखते हो हफ़्ते में चार दिन क्या है धूप है दो दिन क्या है रेनी डेज है और एक दिन क्या है बादल रहेंगे और दूसरा टाइप है बच्चों पिक्टोग्राफ आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है जहाँ पे डाटा को किसकी हेल्प से दिखाया जाता है पिक्चर की हेल्प से किसकी हेल्प से पिक्चर की हेल्प से अंडरस्टैंड अब एक होता है बच्चों चार्ट आपके पास वो नहीं है आपके पास सिर्फ पिक्टोग्राफ है तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग क्या सीखेंगे कि पिक्टोग्राफ वो ग्राफ होता है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है जहाँ पे डाटा को किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर की किसकी हेल्प से पिक्चर की और हर पिक्चर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है इस एक आइसक्रीम की वैल्यू टेन भी हो सकती है वो आप पे डिपेंड करता है कि एक एक ऑब्जेक्ट को आप कितना लेते हो अंडरस्टैंड अब एक्सरसाइज 10.1 पॉइंट वन एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन इन स्कूल द फॉलोइंग कोरिकुलर एक्टिविटीज़ वी टॉट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन ईच इन गिवन एक स्कूल में क्या होता है को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ यानी जो आपकी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं आपकी हमारे स्कूल में भी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी लास्ट ईयर तक इस बार कोरोना के कारण नहीं हो पा रही हैं तो एक स्कूल में को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती है और जिसमें अलग अलग क्या है गेम्स हैं अलग अलग क्या है ये गेम्स या इवेंट हैं जिसमें इतने स्टूडेंट क्या लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इसको पिक्चर की हेल्प से कि योगा में कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कितने हैं दस और एक ही जो बच्चा है ये एक पिक्चर किसके इक्वल है टेन स्टूडेंट के किसने कितने के इक्वल है टेन स्टूडेंट के अंडरस्टैंड तो क्या है यहाँ पे योगा में टेन बच्चे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे योगा में कितने बच्चों ने भाग लिया एक किसके बराबर है टेन के दो ट्वेंटी के ये थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी और टेन कितने के इक्वल है हंड्रेड के ऐसे कराटे में इतने बच्चे भाग लेते हैं एरोबिक्स में इतने म्यूजिक में इतने और डांस में इतने अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट यहाँ पे जो पिक्चर होती है एक पिक्चर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक पिक्चर कितने भी लोगों के इक्वल हो सकती है वो हमारे ऊपर डिपेंड यहाँ पे फिफ्टी भी ले सकते थे हम ट्वेंटी भी ले सकते थे हंड्रेड भी ले सकते थे थाउजेंड भी ले सकते थे अंडरस्टैंड अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे द की सिग्निफिंग द एट एक जो बच्चा है वो किसके इक्वल है कितने बच्चों के टेन स्टूडेंट के क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक जो ये बच्चा है एक पिक्चर है वो किसके इक्वल है टेन स्टूडेंट के इन विच को कैरिकुलर एक्टिविटीज डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक पार्ट ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा बच्चों ने क्या लिया भाग क्या तो कितने बच्चे यहाँ पे योगा में कौन से हैं योगा में कितने बच्चों ने भाग लिया हंड्रेड कितने बच्चों ने भाग लिया हंड्रेड क्योंकि ये जो एक पिक्चर है वो किसके इक्वल है टेन स्टूडेंट के अंडरस्टैंड इन विच एक्टिविटी डू द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक पार्ट सबसे कम किस्म में भाग लिया एरो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव कितने पिक्चर हैं सिर्फ फाइव पिक्चर हैं फाइव का मतलब कितने स्टूडेंट फिफ्टी स्टूडेंट अंडरस्टैंड इफ़ ईच स्टूडेंट टेक पार्ट इन ओनली वन एक्टिविटी हाउ मैनी स्टूडेंट आर दियर इन द स्कूल अगर एक बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ में भाग ले सकता है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल क्या करने हैं काउंट करने हैं तो ये कितने हैं थर्टी सेवन अंडरस्टैंड राइट एनी टू बेनिफिट ऑफ को कैरिकुलर एक्टिविटी कि को कैरिकुलर जो आपके स्कूल में को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उसके क्या बेनिफिट हैं अंडरस्टैंड क्यों वो कराई जाती है तो क्या हो सकता है एक तो हमारे माइंड को क्या करती है फ्रेश रखती है आपको अच्छा लगता है ना जब कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं अंडरस्टैंड हमारे जो मन होता है उसको क्रिएटिव रखती है हमें बहुत सारी चीजें सिखाती विद द हेल्प ऑफ डूइंग अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक एरिया है वहाँ पे अलग अलग क्या है सेक्शन है अलग अलग सेक्शन है और इतने इतने वहाँ पे क्या लगे हुए है? हैं ट्रीज लगे हुए हैं अंडरस्टैंड सेक्शन ए में दो ट्रीज हैं और यहाँ पे जो एक पिक्चर है वो कितने के इक्वल है फिफ्टी के कितने के इक्वल हैं फिफ्टी के तो आप इस फिगर को घर में समझ लेना ये आपका होमवर्क है थैंक यू डियर स्टूडेंट